hello everyone i rachna agrawal welcome you all in agrawal classes and this is a class going on of class 12 subject compulsory english rainbow kae book chal raha english compulsory ka book first and today i am going to teach you complete summary of the lesson a room 10 by 8 by k s Tugal. Uh, the chapter has been completed in various episodes and today i am going to discuss the summary of it and it would be better to discuss the summary बाई लिंग मोर ऑफ दिंदी शुड बी यूज सो दैट पूरे स्टोरी के फॉर्म में जो कॉन्टेंट है वो इजिली समझ में आ जाए सो वील बिगिन ऑफ द चैप्टर बाई एट्लीट समरी आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑफ इट अरूम टेन बाई एट इज बेस्ड ऑन द जनरेशन गैप एंड गॉट दस ऑफ इंडियन एरोमा इन दिसन द मेन कैरेक्टर्स आर mr. malik, mrs. malik, mrs. malik's son, daughter, daughter-in-law, and mother-in-law, and architect. and this is a story of, of delhi location. in this lesson, mr. and malik is a happy couple, but mr. malik has got a transferable job, and because of his transferable job, mrs. malik is quite fed up of his, his job. Because they have to shift every uh, next two years, she was sick of her, uh, their posting, uh, and children were grown up, and their studies were also suffering. And Mr. Malik has transferable job because of which they had to move from one city to another. All this was affecting uh, children' life, especially. In order to put an end to all this problem, they, and to have a stable life, the Malik's decided to stay back in Delhi. and for this एंड फॉर दिसंकिंग टू है हाउस ऑफ देयर ओन इन डेली एक्चुअली just story है इसके अंदर मिस्टर मलिक जो है उनका नौकरी ट्रांसफरेबल जॉब का है जिसकी वजह से एक शहर से दूसरे जगह उन्हें घूमते रहना पड़ता है और स्पेशली जो उनके बच्चों की स्कूल स्टडीज थी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही थी इन सभी इस प्रॉब्लम्स को एंड करने के लिए ताकि और जीवन में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए जो मलिक कंपनी मलिक्स मलिक जो है जो मिस्टर एंड मिसेस का मलिक है जो कपल है उन्होंने ये डिसीजन लिया कि दिल्ली के अंदर एक प्लॉट उन्होंने लिया और ये डिसाइड किया कि वो लोग अब दिल्ली में ही अपना एक घर बना लेंगे और क्योंकि तो मिस्टर मलिक के जो तबादले होते रहते थे ट्रांसफर्स होते रहते थे तो ये उन्होंने ड्रग फैसला ले लिया कि एक फैशनेबल कॉलोनी के अंदर एक प्लॉट खरीदा और फाइनल डिसीजन किया कि अब वो लोग वहां पे अपना एक घर बना करके उसमें रहेंगे तो मिस्टर मलिक मिसेस मलिक और आर्किटेक्ट जो है वो मिलकर के एक ड्राफ्ट प्लान कर रहे हैं न्यू घर का नए घर का उन्होंने ड्राफ्ट प्लान किया है और मिसेज मलिक जो है वो स्टोर रूम के साइज के लिए लेकर डिस्कशन कर रही हैं कि वो जो रूम होना चाहिए वो टेन बाई एट का ही होना चाहिए वो उस बात के ऊपर एकदम से स्टिक हो गई है शी, point, और वो ये भी चाहती हैं कि डेट रूम जो है टाइमिंग के लिए उनकी मदर इन लॉ के द्वारा यूज कर लिया जाएगा एंड आफ्टर हर डेथ जब मदर इन लॉ की डेथ हो जाएगी तो शी कैन यूज दिस रूम एंड इट कैन बी कन्वर्टेड एज अ बिग स्टोर रूम और जब उनका मिस्टर मलिक का इस बात के ऊपर अप्रूवल आ गया विदाउट नोइंग मलिक के माइंड में क्या है वो ये नहीं जानते थे वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि स्पेसियस रूम होना चाहिए स्टोर रूम जो है और वो अग्री कर देते हैं जब प्लान फाइनलाइज हो गया सब कुछ हो गया तो जो मिसेज मलिक थी उनका जो सपना है वो सच होने जा रहा है उनका अपना घर होने वाला है इसके लिए इसके इसके अंदर उन्होंने जो निर्माण कार्य जो होना है घर का कंस्ट्रक्शन वर्क जो होना है उसके अंदर उन्होंने डीप इंटरेस्ट लिया अनटायरिंग इंटरेस्ट लिया कीन इंटरेस्ट लिया और वो पूरे दिन जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर अपना अम्ब्रेला लिए दिखाई दे जाती थी इवन फॉर स्मॉलर थिंग्स जो है वो आ, वहाँ पे रहती थी शी सुपरवाइज एवरीथिंग इन वेरी डिटेल एंड कई कई बार तो उन्होंने जो है मिस्त्रियों की जो हेल्प भी की है और सबसे पहले कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचती थी और सबके जाने के बाद वहाँ से मिसेज मलिक जाती थी बहुत मेहनत कर रही थी अपने नए घर का जो सपना था उसके लिए वो और वो ये भी कंफर्म करती थी कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो लेबर्स हैं वो फ्री नहीं हो टाइम वेस्ट आइडियल ना करें लेबर भी वेस्ट नहीं हो और रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं हो अब वे लोग अपने नए घर में जाने की जैसे प्लानिंग कर ही रहे थे तभी उन्हें पता चलता है कि जो घर है उसको गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है तो मिसेस मलिक जो है वो बहुत फ्यूरियस हुई बट नेक्स्ट मोमेंट ही जब उन्हें पता चला कि मिस्टर मलिक ने बताया कि गवर्नमेंट जो है उन्हें एक अच्छा किराया का अमाउंट देने वाली है तो वो थोड़े से शांत हुई शी गॉट काम डाउन जो घर के कंस्ट्रक्शन के लिए जो सुपरविजन के ड्यूरिंग उन्होंने अपने नेबर्स से बहुत अच्छा रिलेशन टर्म्स बना लिए थे अच्छे नेबर फ्रेंड्स बना लिए थे घर को डेकोरेट करने के जो प्लान्स बनाए थे नाउ शी हैड टू फॉरगॉट ऑल दोज थिंग्स बट फिर भी अब जो था उनको एडजस्ट करना था फिर वो दिल्ली में फिर उनको ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लगा बट मिसिज मलिक जो है किराए के मकान में रह रहे थे बट वो हैप्पी थी क्योंकि अब उन्हें अपने घर की जो है आ, याद नहीं आती क्योंकि दिल्ली से वो लोग ट्रांसफर हो गए थे और अब उनको एक किराया भी अच्छा मिल रहा है और जो शिकायतें और डिमांड्स होती हैं किराएदारों की वो भी उनको नहीं झेलनी पड़ रही है किराया भी आ रहा है और वो लोग खुद दिल्ली में रह भी नहीं रहे तो एक प्रकार से वो अपने आप को फॉर्चुनेट मानते थे कि उनका घर जो है सरकार ने एक तरीके से ले लिया है बाय द टाइम जो है मिसिज मलिक और मिस्टर मलिक की जो बेटी थी उनकी शादी हो गई है और इस तरीके से उनकी लाइफ सेटल होती जा रही है अब मिसेस मलिक और मिस्टर मलिक जो हैं उनकी जो मदर इन लॉ मिसेस मलिक की जो मदर इन लॉ है उनकी भी डेथ हो चुकी है बस अब जो बचा है उनका एक बेटा है जिसकी उनको शादी होनी बाकी है और मिसेस मिस्टर मलिक जो थे वो सोचते थे कि बेटा भी अगर शादी कर देता हूँ तो अच्छा हो जाएगा रिटायर होने से पहले उन्होंने बेटे का भी विवाह कर दिया उनकी तो सारी जिम्मेदारियाँ उन्होंने पूरी की मिस्टर मलिक ने बेटे की शादी भी उन्होंने करवा दी मिस्टर मलिक जॉब से रिटायर भी हो गए बट उनका जो घर है अभी भी जो गवर्नमेंट से मुक्त नहीं किया गया था जो मिस्टर मलिक और मिसेज मलिक है अपने बेटे बहू के साथ किराए के मकान में रहते थे मिस्टर मलिक जो है अपना घर को गवर्नमेंट से फ्री कराने के लिए अभी भी सरकार से स्ट्रगल कर ही रहा था कि उनकी डेथ हो जाती है वो उस घर के अंदर एक भी दिन रहे बिना ना अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो जाते हैं वो चल बसते हैं अब उनको अपने नए घर के अंदर एंट्री करनी है और जब उनको नए घर में एंट्री करनी है तो मिस्टर मलिक की तो डेथ हो चुकी है और अब जो तीन मेंबर्स घर में रह गए हैं वापस से जो मिसेस मलिक का बेटा है उनकी बेटी की बहू है और मिसेस मलिक का बच्चे हैं तो अब जो उनकी पुत्र वधु है जो डॉटर इन लॉ है वो नए घर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मिसेस मलिक से भी ज़्यादा एक्साइटेड है तो जैसे ही उसको पता चला कि उनका घर उनको मिलने वाला है तो उसने उसको पेंट करवा लिया सारा कुछ अरेंजमेंट कर लिया जिस दिन उनको शिफ्ट करना था उस दिन वहां बारिश हो रही थी बारिश के टाइम पे उन्होंने सोचा कि नहीं शिफ्ट कर सकते तो ये डिसाइड हुआ शाम को करेंगे अब शाम को जब बेटा आया तो फिर वो लोग सोचते हैं कि चलो एक फॉर्मल मूव कर लेते हैं एक खुद की गाड़ी है एक कैब और उन्होंने मंगवाई और गाड़ी से वो लोग नए घर की तरफ मूव हो जाते हैं बारिश जो है अभी भी हो रही थी और पीछे गाड़ी में बैठे बैठे मिसिज मलिक कुछ सोच रही थी मिसेज मलिक ये सब सोच रही थी कि कितने पेंस उन्होंने फेस किए थे उस घर के कंस्ट्रक्शन के लिए कितनी बार उन्होंने खाना नहीं खाया था सुपरविजन के लिए धूप में खड़ी रही थी तेज बारिश में भीगी थी और साथ ही उन्हें याद आता है कि घर के जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसके बाद में आर्किटेक्ट ने जो एक कलरड स्केच तैयार किया है जो देखने में कैसा लगता है वो उसको ध्यान है मिसेज मलिक याद करती है कि आर्किटेक्ट ने मिसेज मलिक के घर के अंदर एक कलर्ड स्केच जो तैयार किया था उसके अंदर सगमरमर के पिलर की तरफ पीट करके बरामदे में खड़ी एक घर की मालकिन की भी एक पेंटिंग है तो मिसेज मलिक को जो डिजाइन के अंदर जो आ, पेंटिंग के अंदर जो लेडीज दिखाई देती थी वो बहुत सुंदर और मनोहर दिखाई देती थी मिसेज मलिक को लगता था कि वो एक कंटेनमेंट की इमेज है एक मूर्ति है मिसेज मलिक को हमेशा ये महसूस होता था कि आर्किटेक्ट ने मिसिज मलिक का ही चित्र बनाया था क्योंकि नक्शे वाली जो पेंटिंग वाली जो फीमेल जो थी जो जिस तरीके से खंभे के ऊपर रिक्लाइन होकर खड़ी होती थी ठीक उसी तरीके से मिसेज मलिक खड़ी हुआ करती थी तो मिसेज मलिक को ये चीज बहुत पसंद आती थी और वो ये सोचती थी कि एक दिन वो ये चीज अपने बहू को जरूर बताएंगी मिसिज मलिक को हमेशा ऐसा लगता था कि लगभग उसी हाइट की ये पेंटिंग के अंदर स्त्री है जितने की मिसिज मलिक की है मिसेस मलिक को हमेशा लगता था मानो कि वो जो पेंटिंग के अंदर जो स्केच के अंदर जो लेडी है वो आर्किटेक्ट ने कहीं ना कहीं मिसेस मलिक को ही बनाई है बट मिसेस मलिक को ये चीज पसंद नहीं थी कि उसके अंदर मरून कलर का साड़ी क्यों है बट मिसेस मलिक अब जब गाड़ी में बैठी है तो वो देख रही है कि उनकी जो बेटे की बहू है वो अपने ही पति से हिंदी में बातें नहीं करके इंग्लिश में बातें क्यों कर रही हैं और ये लिपस्टिक क्यों लगा रही हैं जब अपने ही घर जाना है खाना खा के ऑन द हाइट सोना है तो ये बातें कुछ बताई गई हैं कि उन्हें पसंद नहीं आती हैं फाइनली वो जब अपने घर पहुंचते हैं तो मिसेस मलिक के जो पुत्र वधु और पुत्र हैं वो गाड़ी से उतर जाते हैं गाड़ी से सामान अनलोड होने लग जाते हैं नए घर की लाइट जला ली जाती है सब कुछ अच्छा लगता है मिसिज मलिक की जो पुत्र वधू के बारे में मिसेज मलिक ये सोचती हैं कि उनको याद आता है कि कहीं उस दृश्य में जो पेंटिंग के अंदर है कहीं उनकी बेटे की बहू तो नहीं है क्योंकि उनकी बेटे के बहू को मैरून लाल रंग की साड़ी पहनना बहुत पसंद था और मिसेज मलिक को ये बात सोच करके बड़ा धक्का सा लगा कि ये तो उस वक्त थी ही नहीं जब घर का नक्शा या आर्किटेक्चर ने डिजाइन जब बना रहा था तो उन्हें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये उनके बहू की तो फोटो नहीं घर की मालकिन के रूप में है उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं आ, ने जो है का तो नहीं उड़ाया है। अब जो अभी भी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और उनका जो दिल डूब रहा था विचित्र अनुभवों के साथ में जब अचानक ही उनके बेटे को याद आया मां के विचार का वह दौड़ करके उनके पास गया गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर अपनी मास्क को बाहर निकाला तो मिसेज मलिक थोड़ी सी उदास थी तो वो कह, वो कहती हैं कि मुझे खाना नहीं खाना है मुझे सोना ही है तो उनके बेटे की बहू ने उनको टेन बाई एट वाला जो रूम का साइज था उसकी तरफ इंडिकेट करते हुए कहा कि आप वहीं चले जाइए वहां तो मिसेज मलिक जो है उनको और धक्का लगा तो फिर उनको एहसास हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं गलत क्या बात है उन्होंने भी कभी अपने सास के लिए कभी ऐसा सोचा था तो आज उनकी पुत्र भी यही कह रही है कि जब तक आ, वो है उसके अंदर रहे बाद में हो सकता और मिसेस मलिक की जो बेटे की बहू है उनकी यही स्टेटमेंट था कि घर तो बहुत अच्छी तरीके से वेल प्लैंड है बस इसके अंदर एक स्टोर रूम की कमी है बस एक स्टोर रूम की कमी है ये सुनकर के मिसेस मलिक जो है अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हैं तो एक तरीके से स्टोरी से हम लोगों को, को इसके अंदर यही समझ में आता है कि एज यू सो शोश एल्यू री जैसे कि मिसिज मलिक अपनी मदर इन लॉ के लिए थोड़ी सी इनसेंसिटिव थी वैसे ही शायद आज उनके साथ हुआ है जैसा उन्होंने सोचा था कि छोटे रूम के अंदर मदर इन लॉ अकेली आराम से रह लेंगी तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है हमें समझ में आया है आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर अ रूम by K S बाय a complete summary इन हिंदी was डिस्कस today थैंक यू